नमस्कार मैडम तनवीर आलम है, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। बिहार में उपचुनाव के बाद से आज परिणाम का दिन है और शुरुआत में ही रुझान आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम लोग जो है जदयू के हैं और उनकी नज़रें जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर हैं कि क्या चल रहा है। रुझानों में तो जदयू अभी आगे चल रही है, जो एनडीए है वो पूरी तरीके से आगे चल रही है। सुबह से कितने बजे से आप बैठे हैं टीवी स्क्रीन पर? हम लोग अभी बैठे हुए एक घंटे से टीवी पर बैठे हुए हैं और अभी पहली रुझान आ रही है। और महागठबंधन है कहाँ, 40 लोकसभा चुनाव हुआ 40 सीट पर, 39 सीट एनडीए जीती और फिर अभी 5 सीट पर जो चुनाव हो रहा है पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं एनडीए पूरी तरह से जीतेगी। रुझान में कहीं पे आरजेडी भी आगे चल रही है सिमरी बख्तियारपुर में, इसको लेकर के कोई टेंशन? प्रथम रुझान है, इससे कुछ थोड़े होने वाला है। रिजल्ट आएगा उसमें एनडीए जीतेगी और मजबूती के साथ जीतेगी, मतलब कोई रोक नहीं पाएगा। क्या आज जो एनडीए का रथ है सर उसको कोई रोक पाएगा क्या आज बिहार में? ना, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ना, कितनी ज्यादा आश्वस्त हैं, कितने बजे से टीवी देख रहे हैं कि देखिए हम लोग तो देख रहे हैं, रुझान सामने है, अभी अंतिम तक रहिए, देखिए शुरुआती रुझानों में ही खुशी है या फिर आगे तक भी जीत रहे हैं? ना, आगे तक जीत रहे हैं, आगे भी जीत जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत खुशी है, मतलब नीतीश कुमार को ही बिहार पसंद। हाँ हाँ हाँ, बिहार नीतीश कुमार को पसंद करता है। और जो विपक्ष के नेता है उनका क्या ख्याल है आप? ना, उनका तो कहीं कुछ है ही नहीं है, तो कोई नहीं है, कोई चर्चा नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो सुबह 8 बजे से ही स्क्रीन पर अपनी नजरें जो है वो टिका कर रखे हैं कि क्या रिजल्ट निकल करके आता है। तमाम अपडेट जो है वो हम लगातार आपको देते रहेंगे कि क्या हो रहा है बिहार के उपचुनाव के परिणाम में। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।